खबरों में बढ़ते आगे। खबर भिंड से, जहां पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ चोर, जिसको पुलिस ने पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। चोर के पीछे भागते पुलिसकर्मी का अब सीसीटीवी सामने आया है। चोर के भागने की घटना से पुलिस ने इनकार किया। पुलिस ये बोली, पूछताछ के बाद उसको छोड़ा गया था। कोतवाली थाने का ये मामला है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक चोर के पीछे पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का ये कहना है कि उसको छोड़ा गया था, लेकिन जो तस्वीरें देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये कि साफ तौर पर चोर आगे भाग रहा है और पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी भाग रहा है। चोर को पकड़ने के लिए भागते हुए पुलिसकर्मी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि पुलिस बोली है कि पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया था। भिंड का ये मामला है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को चकमा देकर थाने से एक चोर फरार हुआ है। चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे पुलिस भी दौड़ लगा रही है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से चोर बहुत तेजी से भाग रहा है और उसके पीछे पीछे पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी पैदल और उसके बाद दो पुलिसकर्मी बाइक पर सवार हैं। पीछे जिप्सी भी दौड़ लगाती है, लेकिन उसकी पुलिस की जो वैन है उसके बावजूद ये चोर अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। हालांकि जब इस पर सवाल पूछा गया तो पुलिस का कहना है कि उसको पूछताछ के बाद छोड़ा गया था। दिलीप, आप पुलिस ये कह रही है पूछताछ के बाद चोर को छोड़ा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। जिस तेजी से रफ्तार से दौड़ लगा रहा है चोर और पीछे पुलिस, साफ दिख रहा है कि चोर भाग रहा है और पुलिस पकड़ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कोतवाली जो थाना पुलिस है, वो एक जो संदिग्ध एक जो चोर है उसको पुलिस ने जो हिरासत में लिया था, उसको पूछताछ के लिए अंदर थाने के अंदर बैठा हुआ था और उससे जब पूछताछ की जा रही, तभी जो चोर था वो चकमा देकर पुलिस को एकदम भागने लगा। उसको भागने के दौरान जब पुलिस को इसकी सूचना लगी भागते हुए देखा, तो पुलिस ने भी उसमें फिर चोर को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। यहाँ तक कि वो जो रोड है, जो सड़क है, उस पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफी दौड़ता हुआ एक गली में जाके घुस गया वहां पर। और वहां पर जो पूरा जो पुलिस फोर्स था, आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में एक जो सिपाही है वो अपना हथियार लेके तो चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वो वही पुलिस की जो जो मोटरसाइकिल है उसमें जो पुलिस वाले सवार होकर उस चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो चोर जो है वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। हालांकि जब इस संबंध में पुलिस के जो 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 थाने के जो टीआई हैं प्रवीण चौहान, उनसे जब बात की गई चोर के बारे में, तो उन्होंने कहना था कि देखिए उस संदिग्ध चोर को बुलाया था लेकिन उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह जो तस्वीरें जो सीसीटीवी में जो कैद हुई है उसमें जिस तरह से अगर पुलिस दावा कर रही है उसको छोड़ दिया गया, तो पुलिस उसके पीछे क्यों भाग रही है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बड़ी पुलिस की लापरवाही भी जो सामने आई कि जिस तरह से एक चोर को हिरासत में लेके वो लेते हैं वो भाग जाता है। शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब ये कह रही है कि छोड़ा है इस बदमाश को पूछताछ के बाद, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से चोर आगे आगे भाग रहा है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। ये सीसीटीवी सामने आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस का ये बयान आया है।